हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. माई सेल्फ पिंकी जेठवानी, द एजुकेटर ऑफ द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल. चिल्ड्रन, इन सब्जेक्ट EVS वी कंप्लीटेड थ्री चैप्टर्स. वी कंप्लीटेड थ्री चैप्टर्स. हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए? थ्री चैप्टर्स. Now today I am going to explain a new chapter. So our chapter name is The World of Plants. In last class we completed chapter number 3, The World of Animals. आपको याद है ना World of Animals के बारे में मैंने explain किया था. So today I am going to explain our new chapter, the world of plants. इसमें हम मैं आपको बताऊंगी different types of plants. So let we start our new chapter, reading parts and your homework assignment. So let we start our reading part. Now see children, the world of plants. Recite the poem in class. अभी हम ये poem जो है उसको हम recite करेंगे. Okay. I dig a hole and plant a seed. Cover it with earth and pull a weed. Down comes the rain and out comes the sun. Up grows my plant. Oh, what fun! इसका मीनिंग है कि मैं ज़मीन के अंदर एक उसको ज़मीन को खोदेंगे, होल करेंगे एंड प्लांट अ सीड, और कोई भी प्लांट सीड डालेंगे, फिर उसको कवर कर देंगे विथ अर्थ, अर्थ में उसको कवर कर देंगे. फिर डाउन कम्स द रेन, बारिश आएगी, एंड आउट कम्स द सन, और जैसे सन की रोशनी उस पर पड़ेगी. अप ग्रोस माई प्लांट, और मेरा प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा. ओ वॉट फन, कितना मजा आएगा. ओके, अगेन वी रिसाइट द पोयम. आई डिग अ होल एंड प्लांट अ सीड, कवर इट विथ अर्थ एंड पुल अ वीट. डाउन कम द रेन एंड आउट कम्स द सन. अप grow my plant. Oh, what fun! Now next. Now see children, this speaks of garden. We see plants all around us. आप देख सकते हो कि हमारे आजू बाजू plants होते हैं, तो कितना अच्छा दिखता है. They make our world colorful. वो हमारे वर्ल्ड को क्या करते हैं? कलरफुल करते हैं. दे मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल. यानी हम जब भी गार्डन में जाते हैं तो ट्रीज़ को देखते हैं या फ्लावर्स को देखते हैं, तो हमको कितना अच्छा लगता है. यानी हमारे आजू बाजू जो प्लांट्स रहते हैं तो कितना कलरफुल लगता है, उनको देख के हमको कितनी एनर्जी आती है. यानी उनमें से हमको जब ऑक्सीजन मिलता है तो भी हम कितना हेल्दी महसूस करते हैं. प्लांट्स हमको एनर्जी देते हैं. नाउ सी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, सम प्लांट्स आर स्मॉल. यू सी द पिक्स ऑफ कोकोनट, कैक्टस, रोज एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट. नाउ यू सी चिल्ड्रन, सम प्लांट्स ग्रो बिग, सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. यानी कई प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स होते हैं वो बिग होते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं, और कई प्लांट्स
बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। एंड ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, जो ट्रीज होते हैं वो मोस्ट ऑफ टॉल, लंबे लंबे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। आप देख सकते हो पिक में कौन से ट्रीज दिए हुए हैं। देखो नीम, मैंगो, पाइन, देखो पाइन कितना लंबा ट्री है। फिर मैंगो, मैंगो ट्री भी स्ट्रॉन्ग और टॉल रहता है। नीम ट्री भी लॉन्ग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग रहता है। नाउ सम प्लांट्स आर वीक, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। यानी जो कई प्लांट्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, यानी कमज़ोर रहते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वो अपने सपोर्ट से नहीं खड़े रह पाते हैं। उनको खड़े रहने के लिए क्या सपोर्ट की ज़रूरत होती है? दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, यानी उनको प्लांट्स को करने सीधा करने के लिए उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने देखा भी होगा कई प्लांट्स को ऐसे। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर नीचे पिक भी दी हुई है, ग्रेप वाइन। देखो ग्रेप वाइन होता है ना, वो ग्रेप्स का जो वाइन होता है, आपने देखा है कभी? ग्रेप्स कहाँ पर, जैसे जहाँ पर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। सेकंड है स्वीट पी एंड थर्ड बीन्स। देखो जो पी है, स्वीट पी है, बीन्स, इन सबको क्या सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। सो चिल्ड्रन, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम कंटिन्यू द रीडिंग पार्ट। नाउ आई एम शोइंग योर होमवर्क वर्कशीट। सी चिल्ड्रन, योर होमवर्क असाइनमेंट, हार्ड वर्ड्स राइट टू टाइम्स इन द नोटबुक। आप जैसे नोटबुक में टू टाइम्स कंप्लीट करते हो वैसे आपको टू टाइम्स कंप्लीट करना है। नंबर वन वर्ल्ड, सेकंड प्लांट्स, थर्ड कलरफुल, फोर शेप्स, फिफ्थ साइज, सिक्स कोकोनट, सेवन कैक्टस, एट रोज, नाइन ट्रीज, टेन स्ट्रॉन्ग। अगेन आई रिपीट, वर्ल्ड, प्लांट्स, कलरफुल, शेप्स, साइज, कोकोनट, कैक्टस, रोज, ट्रीज, स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट, 11 नीम, 12 मैंगो, 13 पाइन, 14 क्लाइंबर्स, 15 ग्रेप वाइन, 16 स्वीट पी, 17 बीन्स, 18 बनाना, 19 लोटस, 20 सनफ्लावर्स, 21 पी पॉट, 22 मैंगो, 23 पी, 24 एप्पल, 25 टोमेटो, 26 पपैया, 27 किडनी बीन, 28 राइस, 29 वीट, 30 कॉर्न। मैंगो आप टू टाइम्स आ गया है तो आप वन टाइम भी कर सकते हो, वन स्किप कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, नीम, मैंगो, पाइन, क्लाइंबर्स, ग्रेप वाइन, स्वीट पी, बीन्स, बनाना, लोटस, सनफ्लावर्स, पी पॉट, पी, एप्पल, टोमेटो, पपैया, किडनी बीन, राइस, वीट, कॉर्न। तो ये सब आप अपनी नोटबुक में टू टाइम्स कंप्लीट करना है अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, और आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है। सो ओके चिल्ड्रन,
सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टू दिस टॉपिक. सो चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बाय.